हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर श्रीधर और मैं पिछले 46 ईयर से आयुर्वेद पद्धति के द्वारा सेक्स प्रॉब्लम से रिलेटेड पेशेंट का बहुत ही सफलतापूर्वक तथा बिना किसी साइड इफेक्ट के ट्रीटमेंट करता आ रहा हूँ। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे धात रोग, धातु रोग या धात सिंड्रोम के बारे में। इस धात रोग को समझने से पहले मैं कुछ एक इंस्ट्रक्शंस आपको समझाऊंगा, आपको उन पर ध्यान देना होगा ताकि आपको धातु रोग के बारे में पूरी तरह से ज्ञान हो सके या नॉलेज हो सके। हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र। जो हम खाते हैं उसका रस बनता है, रस से फिर रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनती है, मेद से मज्जा बनती है, मज्जा से अस्थि बनती है और अस्थि से शुक्र की उत्पत्ति होती है। और जो शुक्र से जो नेक्स्ट धातु है जिसको हम 8वीं धातु बोलते हैं वो है ओज। कुछ एक आयुर्वेद ग्रंथों में ओज का भी वर्णन है। ओज जो है वो हमारे शरीर को डिफेंसिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करती है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी है। मगर बहुत से लोग जो है वो शुक्र को ही ओज समझ लेते हैं कि शुक्र ही हमारे शरीर की ओज या डिफेंसिव मैकेनिज्म जो प्रोवाइड करने वाली धातु है। ये बिल्कुल गलत है और वो इसके साथ एक सपोर्टिव स्टेटमेंट भी देते हैं कि 100 बूंद खून से एक बूंद जो है वो वीरज की बनती है। ये टोटली बुलशिट स्टेटमेंट है, इससे टोटली इररेलेवेंट। शुक्र 4 सेक्रीशंस के मिलने से बनता है। नंबर 1 स्पर्म्स विच आर लेस देन 1% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सीमन। नंबर 2 सेमिनल फ्लूड। नंबर 3 प्रोस्टेटिक फ्लूड। नंबर 4 कॉपर ग्लैंड और वल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड फ्लूड। तो इसलिए ये चारों जब सेक्रीशंस मिक्स होते हैं तो हमारे सीमन की उत्पत्ति या सीमन की जो एक्सक्रीशन है वो होती है। नेक्स्ट है शुक्र की उत्पत्ति के बारे में। जो शुक्र है हमारी बॉडी के अंदर प्रोडक्शन वर्सेस यूटिलाइजेशन के प्रिंसिपल पर बनता है। जितना आप वीर्य निकाल रहे हो उतना वीर्य 24 to 48 आवर्स के अंदर बनकर आपकी बॉडी के अंदर फिर से स्टोर हो जाता है। जो वीर्य को या शुक्र को ग्लैंड्स जो है वो स्टोर करते हैं उनकी कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 170 ड्रॉप से ऊपर नहीं है। इसलिए अगर आप चाहो भी तो भी आप 170 ड्रॉप से ऊपर अपने अंदर वीर्य को स्टोर नहीं कर सकते। तो इसलिए इस शुक्र को एक तो या वीर्य को मल समझना चाहिए। और ये वेस्ट जो है इनके बारे में आयुर्वेद में लिखा गया है उचित मल शरीर का बल। अगर आपके शरीर के अंदर जो मल है वो उचित मात्रा में है तो वो आपको शरीर को एनर्जी देते हैं। अगर यही मल जो है वो जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं तब भी नुकसान देते हैं, अगर जरूरत से कम हो जाते हैं तब भी नुकसान देते हैं। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब आपके अंदर वीरज की उत्पत्ति जरूरत से ज्यादा होनी शुरू हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप शरीर से बाहर निकल जाएगा, इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। उचित मल शरीर का बल, अगर इस चीज को आप ध्यान में रखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि शुक्र जो है उसकी वैल्यू जो है वो एक मल से ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे धात सिंड्रोम के बारे में। पुरुषों में जो धात होती है दो तरह की होती है, एक होती है फिजियोलॉजिकल धात और दूसरी होती है पैथोलॉजिकल धात। फिजियोलॉजिकल धात बोलते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर के अंदर बनती है और निकलती है, और पैथोलॉजिकल धात हम उसे धात को बोलते हैं जो रोगों के कारण हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होती है और शरीर से बाहर निकलती है। बहुत से मेल पेशेंट्स आके मुझे ये बोलते हैं कि जब हम अपनी फियांसी से, अपनी गर्लफ्रेंड से या अपने फीमेल पार्टनर से बात करते हैं फ़ोन पर, या कोई एरोटिक लिटरेचर देखते हैं, या फिर कोई पॉन्स देखते हैं, या फिर बस गाड़ी में बैठे हुए हमारा पाँव या कोई शरीर का अंग किसी फीमेल के साथ टच कर जाता है तो हमारे लिंग में थोड़ी या बहुत ज़्यादा इरेक्शन आने के बाद एक दो बूंद चिपचिपा पानी, पानी जैसा पानी, ट्रांसपेरेंट पानी, गूंद जैसा पानी हमारे लिंग से बाहर निकल जाता है और इससे हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है। तो ये मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये धात नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो वीर्य है वो 4 सेक्रीशंस के मिलने से बनता है। नंबर 1 स्पर्म्स, नंबर 2 सेमिनल फ्लूइड, नंबर 3 प्रोस्टेटिक फ्लूइड एंड नंबर 4 कॉपर ग्लैंड फ्लूइड और वल्वर यूरेथ्रल ग्लैंड फ्लूइड। तो ये जो ट्रांसपेरेंट पानी है, चिपचिपा पानी है, ये कॉपर ग्लैंड का पानी है। इसको लुब्रिकेशन के अंदर लेते हैं, जिस तरह से
अच्छी डिश को सुनने के बाद आपके मुंह से लार निकल आती है। इसी तरह से फीमेल पार्टनर को देखने के बाद या उसको टच होने के बाद जो ये ट्रांसपेरेंट पानी निकलता है ये मुंह की लार से मिलता जुलता है, इसलिए इसे हम एक अच्छी सेक्सुअल एपीटाइट की निशानी मानते हैं। और ये प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट नहीं है, इसके बारे में इलाज की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ ए फिजियोलॉजिकल धात। कुछ लोग बोलते हैं कि जब हम लैट्रिन करने के लिए जोर लगाते हैं तो हमारे पेशाब के मार्ग से पेशाब करने से पहले या पेशाब करने के बाद मिल्की फ्लूड सफ़ेद पानी जो है वो तार के रूप में या ड्रॉप्स के रूप में बाहर निकलता है, क्या ये धात है? तो मैं यहाँ बता दूँ ये धात नहीं है, ये प्रोस्टेटोरिया बोलते हैं इसको, ये प्रोस्टेटिक जो हमारा ग्लैंड है उसका सक्रीशन है, ये भी वीरज नहीं है। इसके निकलने से आपके शरीर पर किसी तरह की कोई भी कमजोरी या आपके सेक्स पोटेंशियल के ऊपर कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये एक फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसके बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। हाँ, एक मैं इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको बता दूँ कि जिन लोगों को ये धात पड़ती है उन लोगों को चाहिए कि एक तो वो सीट जो है वो इंडियन सीट के ऊपर टॉयलेट ना करें, वो वेस्टर्न सीट इस्तेमाल करें, इंग्लिश सीट इस्तेमाल करें, और दूसरा वो कब्ज मत होने दें, क्योंकि इस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, नंबर वन इंडियन सीट एंड नंबर टू कॉन्स्टिपेशन। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, जिन लोगों को कब्ज होती है उन लोगों को, और जो लोग पैरों के बल इंडियन सीट पर बैठ कर टॉयलेट जो है वो पास करते हैं या लैट्रिन पास करते हैं उन लोगों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसके अलावा नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट जो है वो बारे ये है कि जिन लोगों की यूरिन की पीएच वैल्यू 7 से कम होती है उन लोगों में इनसॉल्युबल फॉस्फेट्स जो है वो यूरिन के द्वारा बाहर निकलते रहते हैं, जिनको लोग धात समझ लेते हैं। तो इसके लिए अगर आपको फॉस्फेट्स निकल रहे हैं आपके पेशाब में तो आपको चाहिए कि आप अपने यूरिन की जो पीएच वैल्यू है उसको 7 से ऊपर रखें, यानी उनको एल्कलाइन रखें। तो ये जो सॉल्युबल इनसॉल्युबल फॉस्फेट्स है दे विल बी कन्वर्टेड इनटू सॉल्युबल फॉस्फेट्स और आपको नजर नहीं आएंगे। तो इससे आपकी जो इसको बोलते हैं व्हाट द आई सीज ब्रेन थिंक्स, व्हाट द ब्रेन थिंक्स बॉडी डज, जो आंखें देखती हैं दिमाग सोचना शुरू करता है, जो दिमाग सोचना शुरू करता है शरीर उसके मुताबिक करना शुरू करता है। इसलिए आप उसको देखना बंद कर दोगे या आपको दिखना बंद हो जाएगा तो आपकी ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली हल हो जाएगी या सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल धात सिंड्रोम। पैथोलॉजिकल धात सिंड्रोम बोलते हैं जब हमारे शरीर में रोगों के कारण शरीर में धात की उत्पत्ति हो रही है और वो धात शरीर से बाहर निकल रही है, उसको पैथोलॉजिकल धात सिंड्रोम बोलते हैं। पैथोलॉजिकल धात सिंड्रोम में मेनली जो रोल है वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज का। इसमें जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में सबसे पहली डिसीज है एक्यूट गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस, नंबर टू क्रॉनिक गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस, नंबर थ्री नॉन गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस, नंबर फोर क्लाइमीडियल इन्फेक्शन, नंबर फाइव प्रोस्टाइटिस, नंबर सिक्स बेलेनाइटिस, नंबर सेवन इंजरी ड्यू टू कैथेटर, नंबर एट इंजरी ड्यू टू मास्टुबेशन। ये जो पैथोलॉजिकल धात सिंड्रोम है इसके बारे में आपको अपने वैद्य हकीम डॉक्टर से पॉजिटिवली बात करनी चाहिए और उसको खुलकर बताना चाहिए कि आपने किसी फीमेल पार्टनर को अदर देन योर वाइफ और अदर देन योर वाइफ किसी को अगर विजिट किया है तो उसके बाद अगर आपको ये धात पड़नी शुरू हुई है तो आपको इसके लिए ट्रीटमेंट पॉजिटिवली तौर पे लेना चाहिए। अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते तो इन द लॉन्ग रन ये धात जो है आपके सेक्सुअल पोटेंशियल के अलावा आपकी फर्टिलिटी को, आपकी दूसरी बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनके ऊपर भी इफेक्ट कर सकती है। यहाँ पर टेक होम मैसेज ये है कि जो फिजियोलॉजिकल धात है उसके बारे में आपको कोई चिंता या कोई फिक्र या वहम करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर वो धात बनती भी है और निकलती भी है। और जो पैथोलॉजिकल धात है उसके बारे में आपको अपने वैद्य हकीम क्वालिफाइड डॉक्टर से बात करनी चाहिए ताकि वो इसका ट्रीटमेंट टाइम पर दे सके। और अगर आप इसका ट्रीटमेंट टाइम पर नहीं लेते जो पैथोलॉजिकल धात है तो आपको इन द लॉन्ग रन आपकी सेक्सुअल पोटेंशियल पर, आपके बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर और आपकी फर्टिलिटी के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि अगर इस में से आपको कोई भी पॉइंट क्लियर करना हो तो आप मेरे साथ मेरे फ़ोन पर बात करके
या मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे से बात कर सकते हो, मेरे से पूछ सकते हो। यू आर मोस्ट वेलकम। ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, सर्वे सन्तु निरामया।